मीटिंग होती है, एक किसान के घर में बैठक करने के लिए पहुंचते हैं सुनीलम और आराधना बहन, और वहां पर एसडीएम और सीएसपी पहुंच जाते हैं कि धारा 144 लगी हुई है। पहले हम सुना करते थे कि धारा 144 विधानसभा के आसपास लगती है, धारा 144 राज्यपाल के घर के आसपास लगती है, लेकिन धारा 144 गांव में किसान के घर में लगी हुई है, ओटले में लगी हुई है। माइक वाले को जब्त कर लिया जाता है, माइक जब्त कर लिया जाता है, इसके बारे में काफी जानकारी आपके बीच में दी जा चुकी, मुकदमे लगा दिए जाते हैं। ये क्या पागलपन है? हम 10 तारीख को धरना देने के लिए आते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी की सुरक्षा को खतरा है। हमने कहा कि मोदी जी के निकल जाने के बाद की परमिशन दे दीजिए, बोले नहीं 10 तारीख को कोई परमिशन नहीं मिलेगी। ये वो देश है जहां जवाहरलाल नेहरू के सामने जनता ने प्रदर्शन किए, जहां पर संसद की दरवाजे तक लोग जुलूस लेकर जाया करते थे, जहां पर विधानसभा की गेट तक लोग जुलूस लेकर जाया करते थे, आज वो हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि वो सबको खरीद लेंगे, लेकिन जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने लोकतंत्र की हिफाजत के लिए आखिरी तक संघर्ष करेंगे। हम 25 संगठन हैं, हमारी 25 भिन्न विचारधाराएं हो सकती हैं, हमारे काम करने के तरीके भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हम 25 जो आज 25 है कल 250 होंगे, हम एक मामले में एक है, और वो मामला ये है कि गरीब की कब्र पर कारपोरेट के मुनाफे के झंडे को फहराने की कोशिश की जाएगी, उसको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। हम 25 इस सवाल को लेकर एक है कि वहां पर नर्मदा घाटी के किसानों को, परंपरागत रूप से रहने वाले लोगों को डुबोकर अगर कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के लिए पानी का बंदोबस्त किया जाएगा, उसको नहीं होने दिया जाएगा। और हम 90% लोग अगर एक होंगे तो इन 10% लुटेरों का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मैं एक बार फिर नर्मदा घाटी से आए हुए मित्रों को, बहनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग अकेले नहीं है। दिल्ली में संसद के सामने जब 250 संगठन, 300 संगठन इकट्ठा हुए थे और न जाने कितने मोर्चे बनकर वहां पर आए थे, तब भी ये सवाल उठाया गया था, भोपाल में भी ये सवाल उठाया जाएगा। चार वामपंथी पार्टियां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएमएल लिबरेशन, एसयूसीआईसी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हम चारों पार्टियां 6 अक्टूबर को हजारों लोगों की रैली भोपाल में करके नर्मदा से लेकर सारे विस्थापन के खिलाफ आवाज